गोरखपुर बस्ती आजमगढ़ एवं देवीपाटन मंडल में ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने बताया कि ग्राम विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एक नंबर की ऊंचाई हासिल किया है, जिसकी समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि आगे के लक्ष्य को सभी अधिकारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए तथा उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है तथा उन्होंने बताया कि 2011 में प्राप्त सूची के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना में 7 लाख आवासों की पहली किस्त जारी कर दी गई है और बाकी राशि 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिससे कि प्रदेश में 32 लाख आवास का वितरण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति के पास अपना आवास हो, प्रधानमंत्री के सपने को साकार किया जाएगा। इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग प्रमुख सचिव रविंद्र नायक, अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार, मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सुजीत कुमार, CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य जनपदों के CDO व अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्राम विकास समग्र ग्राम विकास विभाग के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा, एक जगह बोला तो मैं जाने के लिए संबंध में हमने जो प्रगति की है और जो अपेक्षा
शासन को माननीय मोदी जी को हमारे विभाग से है, उसके लिए हम अपनी गति को और दिशा को और तीव्र करने की जो आवश्यकता है उसके लिए ही यहाँ प्रदेश के सभी वरीय अधिकारीगण आपके साथ संवाद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि जो हमारी अंदर स्थिति है सभी गठबंधनों की, विशेष रूप से ग्राम विकास विभाग, ये आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है, प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों की सेवा करते हैं। हमारे चारों अभियान, विशेष तौर से हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा और राज्य ग्रामीण अनुदान से, इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे सभी के सभी अभियान आम लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके आर्थिक उन्नयन के साथ उनके सामाजिक सम्मान को बढ़ाने के लिए। अभी जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो हम लोगों ने निर्णय तय किया है उसी के लोगों की यहाँ पर हमारी बैठक संचालित होगी, समय पर अपनी सही स्थिति हो उसे और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में ग्राम्य विकास विभाग ने अपने सभी अभियानों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, रूरल मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एक ऊंचाई प्राप्त किया है। और आज चार मंडलों का, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ मंडलों की हम सभी ने बिंदुवार समीक्षा किया है और आगे के जो हमारे लक्ष्य हैं उन्हें हम समयबद्ध पूरा करें इसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए हैं। हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का स्थान है। हमने 2011 के सेक सूची को संतृप्त करने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना आवास प्लस योजना में इस वर्ष 7,32,000 आवास दिए हैं, उनकी पहली किस्त, दूसरी किस्त आ गई है और आगे भी हमको 15 लाख का लक्ष्य मिलने वाला है, जिससे जो हमारे 32 लाख कुल लाभार्थी छांटे गए हैं हम सभी को 2022 तक आवास देकर के माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के उस वचन को साकार करेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि 2022 तक हम सभी बेघरों को घर देंगे।